जय श्री राम दोस्तों, सारे राम भक्तों के आज के दिन का यानी कि 22 जनवरी का हार्दिक अभिनंदन। और आज के दिन अयोध्या में भगवान श्री राम का, प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और अभी कुछ ही पलों में हो भी जाएगा। और हमारे गया जी में भी इसको बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस दिन को 22 जनवरी को। और कहीं ना कहीं ये वो ऐतिहासिक पल है जिसका इंतजार हम सदियों से कर रहे थे। और आज मैं बता दूं कि गया के कोरीबारी में भी यहाँ पे भगवान श्री राम का, प्रभु श्री राम का मूर्ति स्थापित करके इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो चलिए आज हम लोग घूमते हैं वहाँ पर चलकर और देखते हैं वहाँ की सजावटें और सेलिब्रेशन। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अभी आ गए हम पीर मंसूर और ये आप देख सकते हो। और यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे अभी, ये देखो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और क्या ही खूबसूरत सा यहाँ पे जय श्री राम लिखा है दोस्तों। ये आप देखो, ये गेट बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अभी हम लोग चल रहे हैं कोइरीबारी की तरफ में। और यहाँ पे आप देख सकते हो डेकोरेशन दोनों तरफ एलईडी बल्ब से इसको डेकोरेट किया गया है रात के टाइम पे। और भी ये खूबसूरत लगने वाला है देखने से ही। और पूरे हमारे पूरे गया शहर में भी इस तरीके का डेकोरेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। कोशिश करूंगा मैं हर तरफ ले चलने का, लेकिन फिलहाल आइए हम घूमते हैं कोइरीबारी का यह मूर्ति पंडाल को। अभी मैं आ गया हूँ गया के कोइरीबारी में। और कोइरीबारी के पास में पिता महेश्वर वाला मोड़ के पास में ही आप देख सकते हो यहाँ पे श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कोइरीबारी दुर्गा स्थान गया से बिहार युवा शक्ति के द्वारा आयोजित हुआ है 22 जनवरी। और आज का ये ऐतिहासिक दिन, और यहाँ पे भगवान श्री राम का मूर्ति भी स्थापित है। और आप सामने देख सकते हो श्री राम की प्रतिमा। और यहाँ रंजीत सिंह के देखा कहीं हम गुरु जी, यो हमारे बड़ा प्रिय भाई हो। फ्रेंड्स साहब में 22 तारीख यानी कि आज ही भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा और इसके उत्सव में यहाँ पे भंडारे का भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे प्रसाद बनते हुए भंडारे को लेकर काफ़ी बड़े अमाउंट में आप देख सकते हो चारों तरफ